नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका CGPSC व्यापम हम में। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाएं सब्सक्राइब करें, तथा बाजू में जो बेल आइकन है आप उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको CGPSC और व्यापम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। जिन्होंने फेसबुक और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप प्रेस करिए और वहाँ ज्वाइन हो जाइए। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग में 14 पदों पर जो है वो स्वीकृति मिली है। ये पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो पर बने रहिए। जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग में जो 14 पद है उसको बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि रायपुर एम्स में वैकेंसियाँ निकली है, जिसकी अंतिम तारीख 14 तारीख है, मतलब 14 सितंबर तक आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे 14 सितंबर तक लास्ट डेट है, तो आप इस फॉर्म को जल्दी से फिलअप करिए। साथ ही देखिए, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा रायपुर में ही एक और वैकेंसी निकली है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसका पूरा डिटेल इसकी साइट पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, तो आप जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। अब हम बात करते हैं कि सर, ये कहना था कि सर जो बिजली विभाग है उसका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी कब आएगी, मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए उसकी जो वैकेंसी है 20 सितंबर के बाद आएगी। तो आप सभी जो है, सबसे पहले मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि आप सभी टाइपिंग स्किल के लिए रेडी रहिए, क्योंकि जैसे ही आप लोग टाइपिंग स्किल करेंगे आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो उसकी जो सियोरिटी है वो ज़्यादा होगी। आप कितना पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ साथ आप स्किल टेस्ट अनिवार्य रूप से करते रहिए, क्योंकि आपका नंबर स्किल टेस्ट ही डिसाइड करेगा, याद रखिए। तो यही एक पॉजिटिव न्यूज़ था कि बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे कि कब आएगी वैकेंसी इस टाइप का। अब हम बात करते हैं कि क्या है 14 वैकेंसियों के बारे में। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 14 पदों की स्वीकृति मिली है और 4 से चलाया जा रहा काम। देखिए ये यहाँ पे बताया गया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पुनर्वास केंद्र अमले की कमी से जूझ रहा है। शासन द्वारा यहाँ अधिकारी कर्मचारियों के 14 पद जो है वो स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 10 पद विगत कई सालों से खाली है। ऐसे में 4 अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से काम चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पुनर्वास केंद्र आते हैं, ऐसे में जिले के दिव्यांगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना भी रहता है, ताकि दिव्यांग लोग भी अन्य लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर सके। तो यहाँ पे बताया गया है कि विभागीय जानकारी के मुताबिक जो विभाग से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पुनर्वास केंद्र में अधिकारी कर्मचारियों के 14 पद शासन द्वारा स्वीकृत किए गए, जिनमें से यहाँ पे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो कौन कौन से पदों का जो है स्वीकृत मिला है उसके बारे में है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक है, थेरेपिस्ट है, ऑर्थोटिक है, इंजीनियर है, श्रवण बाधिक शिक्षक है, शूमेकर है, वाहन चालक समेत अन्य पद स्वीकृत है, जिनमें से 4 पद पर ही अधिकारी कर्मचारी पदस्थ है। इसमें से उप संचालक के पद पर जो है वहाँ पे एक अधिकारी सहायक ग्रेड 2, एक मतलब जहाँ पे जो 4 पद है उसमें से जो बता रहे कि कौन कौन से पद भरे हुए हैं, उसमें सहायक ग्रेड 2 के एक पद है, सहायक ग्रेड 3 के एक पद है और चपरासी। यहाँ पे ऐसे करके टोटल 4 पद जो है वो भरे गए हैं, जबकि यहाँ पे 14 पदों का जो है सेटअप है, जिसमें से 10 पद खाली है। ये सिर्फ एक ज़िले की बात है। यहाँ पे बताया गया है कि जो विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है, यहाँ पे जो भर्ती के लिए इसका जो बोलना चाहिए डिटेल है वो गया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो उपसंचालक है जांजगीर चांपा ज़िले के, उन्होंने बताया है कि जो पुनर्वास केंद्र में अधिकारी कर्मचारियों के जो पद रिक्त है इसकी जानकारी जो है वो शासन को भेज दी गई है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि भाई देखिए शासन के पास रिक्त विभागों की जानकारी मंगाई जा रही है, कंटिन्यू जानकारी जो है वो मंगाई जा रही है। तो आप सभी इस चीज़ के लिए रेडी रहिए कि वैकेंसी जो आएगी बम्पर मात्रा में आएगी। यही न्यूज़ आप सभी को आज देना था। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
तो यही जानकारी आप सभी को देना था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें, तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।